देशभर में चल रहे अग्निपथ पर प्रदर्शन की आंच इंदौर ग्वालियर तक पहुंच गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। इसी कड़ी में रतलाम एसपी अभिषेक तिवारी ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रविवार को एसपी रतलाम रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं देखने और सुरक्षा के उपायों की जांच करने के लिए अमले के साथ स्टेशन पहुंच गए। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी पुलिस भी मौजूद थी। एसपी ने प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेकर आरपीएफ थाना प्रभारी रफीक अंसारी को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। निरीक्षण के दौरान सीएसपी हेमंत चौहान, स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला सहित अमला मौजूद था। अभी जो आपकी जानकारी में है कि क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए और साथ में जो एक विशेष अभी बिंदु चल रहा है जिसके प्रति सभी जगह के रेलवे स्टेशन पे सभी शहरों में एक अलर्ट जारी है, इसमें ही रतलाम रेलवे स्टेशन का एक औचक निरीक्षण किया गया है। पुलिस मध्य प्रदेश सतर्क यहाँ पर किया गया, साथ ही साथ उनकी तैयारियों का भी जायजा लिया गया। उसका हमने पुलिस बल यहाँ पर तैयार है, यहाँ पर हमारा आरपीएफ का, जीआरपी का, जिला पुलिस बल का और एसएएफ का कंबाइंड फोर्स यहाँ पर तैनात है और काफ़ी अच्छी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर है। मैं ये सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से इसलिए लगाई गई है क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जो सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको कई बार वो किसी के बहकावे में आके या अन्य किसी व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया के ऐसे ग्रुप्स जिनसे उनका कोई ताल्लुकात भी नहीं है, उन लोगों के बहकावे में आके किसी भी जगह के धरने प्रदर्शन में शामिल होने चले जा रहे हैं, या फिर कई जगह ऐसा भी देखने में आया है कि वो रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर उन्होंने रेल को रोकने की भी अवैधानिक गतिविधियों में भाग लिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको डिस्करेज करने का और उनको ये अपील करता हूँ कि इस तरह की किसी भी अवैधानिक गतिविधि में, गैर कानूनी गतिविधि में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें, उसमें ना शामिल हों, क्योंकि पुलिस लगातार निगाह रख रही है, सभी जगह हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं और तत्काल उसमें एफआईआर की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कुछ लोग जो रतलाम जिले के हैं और जो महू में या फिर आसपास के अन्य क्षेत्र में इस तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे और वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे 6 लोगों पे हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और उन्हें जेल पहुँचाया है। इस तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और भी हम लोग जारी रखेंगे और लगातार इसमें टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी सर्विलांस का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपना जो है, इसमें आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट सरकार तक आ चुका है, सरकार ने इसमें योजना में सुधार भी की है, लेकिन किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें। किसी भी अवैध बुलावे पर, जैसे कि किसी भी शहर में बुलाने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए ना जाएं, कतई ना जाएं। साथ ही साथ किसी अपने ही शहर में भी इकट्ठा होकर किसी शासकीय संपत्ति को नुकसान कराने के बारे में ना सोचें, किसी शासकीय कार्य में बाधा डालने के बारे में ना सोचें, इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। खासकर आप जिस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सपना आपका रुक सकता है, अधूरा रह सकता है यदि आप किसी अवैध गतिविधि में पाए जाते हैं और यदि आप पे एफआईआर हो जाती है। सर, रतलाम के लिए कुछ इनपुट्स हैं क्या ऐसे धरना प्रदर्शन? रतलाम के लिए अभी तक स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं आए हैं और मैं इस मामले में रतलाम के युवाओं की तारीफ करता हूँ, के जो पेरेंट्स उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने सही शिक्षा दी है और यदि कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उसके बारे में अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को सही उन्होंने जानकारी दे के रखी, सही मार्ग दिखाया है। रतलाम में अभी तक ऐसी स्थिति जरा भी कोई पॉइंट नहीं है, स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। वहीं शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। रतलाम से अजय बौरासी की रिपोर्ट।